उतना लाउड ब्लू नहीं है बट इट इज लाइक एक्वा ब्लू कलर. मेरा जो वॉच का कलेक्शन है वो भी काफी अच्छा खासा है. फास्ट ट्रैक अगेन ऑफ कोर्स. तो ये मेरी सबसे पहली घड़ी थी जो मैंने, जिसको इसमें से निकालने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा वेयर कर लिया ना. नाउ आई गेट बोर्ड ऑफ देम आल्सो. एंड हेलो माय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल. कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज फाइन विद यू ऑल एट योर एंड. ओके, सो मैं आपको बता दूं पहले तो कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ना मुझे बहुत पहले रिक्वेस्ट करी थी कि दी आपका जो वॉच का कलेक्शन हो हमारे साथ शेयर करना. तो मैं इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भूल गई थी. एंड देन सडनली आई रियलाइज, लाइक जब मैं अपना जो परफ्यूम कलेक्शन है उसको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर रही थी ना, तो मैंने नोटिस किया कि मेरा जो वॉच का कलेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है. मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बट अच्छा खासा कलेक्शन है. तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं. बट व्हेन आई वाज थिंकिंग कि मैं कलेक्शन कैसे दिखाऊं, तो मैंने सोचा दो पार्ट में ये वीडियो बनाती हूं. ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको ऐसी वॉचेस दिखाऊंगी, जो कलेक्शन है वो दिखाऊंगी, जो मेरे ब्रांडेड वॉचेस हैं. ठीक है, तो मुझे वॉचेस कलेक्ट करना अच्छा लगता है, रैंडमली भी पिकअप कर लेती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को किया हो सब्सक्राइब. इफ यू आर अ न्यू विजिटर प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन टू वॉच अमेजिंग वीडियोज लाइक दिस. और अगर आप एक ऑलरेडी मेरा कोई वीडियो देख चुके हो तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो, इट जस्ट टेक्स अ मोमेंट, सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, एंड इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन विच आई प्रोवाइड इन दिस वीडियो, अगर एंड तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहला जो वॉच मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दैट इज लाइक बहुत ही मुझे ज्यादा प्यारा है. आप देख सकते हो मैं किस तरह से रखती हूँ. अब इतनी सारी वॉचेस हैं तो हर एक का डब्बा नहीं संभाला जाता मुझसे. और ये सारी जो वॉचेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये बहुत लंबे टाइम से है मेरे साथ. आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि कितना लंबा समय हो गया है. तो जो फर्स्ट वॉच है मैं आपको दिखाती हूँ वो ये वाली है फास्ट ट्रैक की. और मैं वेयर करके भी आपको दिखा दूंगी मेरे हाथ पे कैसी लगती है. सो दिस इज द वॉच आई एम गोइंग टू शो यू. द वेरी फर्स्ट वॉच इज दिस फास्ट ट्रैक का. देखो मुझे ना ज़्यादातर गोल्ड वॉचेस, रोज गोल्ड वॉचेस इतनी पसंद नहीं आती थी बैक इन द डे. मुझे सिल्वर वॉचेस एंड बेल्ट वाले जो वॉचेस आते थे ना वो ज़्यादा पसंद आते थे. एंड इसको लेके भी बहुत ज़्यादा समय हो गया है. मतलब मैं आपको इयर्स में नहीं समझा पाऊंगी. मतलब दीज वॉचेस आर लाइक अराउंड 7 to 8 ईयर्स ओल्ड. तो मुझे टाइमिंग नहीं पता है बट ये मैंने ऑनलाइन खरीदी थी इतना मुझे पता है. ये सभी प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगी. परचेस लिंक सभी वॉचेस की हो सकेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी विद द नेम एंड एवरीथिंग. सो दिस इज द सिल्वर वॉच विद अ ब्लू डायल. जो ब्लू डायल है वो काफ़ी कम दिख के आता है. मतलब इतना ज़्यादा लाउड ब्लू नहीं है बट इट इज लाइक एक्वा ब्लू कलर यू कैन सी इन द डायल. और बहुत ही प्यारा है ये. फास्ट ट्रैक की वॉच है फ्रेंड्स. एंड इतने साल यूज़ करने के बाद भी इट इज़ जस्ट एज न्यू. आपको यहाँ पे मैं अपना वेयर करके भी दिखा दूंगी. आपको लोगो दिखने मिल जाएगा जब आप क्लिप जब क्लोज करते हो ना वहाँ पे भी फास्ट ट्रैक का लोगो है. आई लव दिस वन. दिस इज़ लाइक यू नो परफेक्ट है ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, एनी वेयर. मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा मैंने वेयर किया हुआ है. आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में भी देखा होगा. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वॉच एंड आई लव इट. ओके, सेकेंड वॉच जो है वो मैं आपको गोल्डन में दिखाती हूँ. दिस वन इज़ ऑल्सो लाइक अराउंड 6-7 ईयर्स तो ओल्ड होगा ही डेफिनेटली. मुझे ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड्स बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पुराना है. एंड इसके ऊपर ना दिख के आता है कि ये यूज्ड है. मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड सोनाटा. ओके, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है फ्रेंड्स एंड लाइक वन ऑफ द अमेजिंग ब्रांड्स में से आता है. एंड ये मैंने ना सर्च करने की कोशिश करी कि अब ये वॉच मिलती है कि नहीं, बट आई एम सो ग्लैड कि अभी भी ये वॉच अवेलेबल है. ये डिज़ाइन भी अवेलेबल है, द सेम वॉच इज़ अवेलेबल. सो लिंक्स मैं आपको डेफिनेटली देना ट्राई करूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नाउ दिस वन आई पर्सनली लव बिकॉज यू नो ये थोड़ा सा विंटेज लुक भी देता है. ज़्यादातर अभी जो फैशन चल रहा है वो राउंड डायल्स एंड स्क्वायर डायल्स का चल रहा है, राइट? बट दिस व्हेन आई वेयर ना मुझे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये विंटेज काइंड ऑफ लगता है. एंड आप देख सकते हैं इसका बेल्ट जो है वो काफ़ी लाइक ब्रेसलेट काइंड ऑफ इफेक्ट देता है. सो जब मुझे कोई इवेंट में जाना होता है, वेडिंग्स होती है या ऐसा कुछ ग्रैंड होता है ना, तब मैं इसे प्रेफर करती हूँ वेयर करना. सो इट गिव्स अ वेरी क्लासी लुक. मतलब ऐसे डे टू डे में मैं वेयर नहीं करती हूँ इसको. एंड आई पेयर दिस वॉच विद अ गुड ब्रेसलेट और ये काफ़ी कमाल का लगता है. माई मॉम ऑल्सो लव्स इट. एंड ऑल्दो आई हैव वॉर्न दिस वॉच अ लॉट, अब जाके थोड़ा थोड़ा मुझे ये थोड़ा सा इसका वेयर एंड टेयर हुआ है ऑन द डायल. बिकॉज मैं कह रही हूँ ना कि मैंने इतना ज़्यादा वेयर कर लिया ना, नाउ आई गेट बोर्ड ऑफ देम ऑल्सो. एंड मैं परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा स्प्रे करती हूँ तो हो सकता है कि परफ्यूम्स ये सब चीज़ों पे जब गिरता है तो इसका थोड़ा वेयर एंड टेयर होता है. तो डायल की तरफ थोड़ा सा आपको देखने मिल जाएगा वेयर एंड टेयर. बट लेट मी टेल यू, अगर आप इसे लेते हो तो 4 या 5 साल आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
बट यू हैव टू टेक केयर. आप देख सकते हो ना मैं किस तरह से रखती हूँ अपने घड़ियों को, बहुत ही केयरफुली आपको एक कलेक्शन में रखना होगा. अपने अगर इसको ऐसे ही फेंका तो पानी से, परफ्यूम से, ऐसे केमिकल्स से आपको थोड़ा सा बचाना है. स्वेट वगैरह केमिकल्स अगर इस पे लगते हैं तो थोड़ा सा टार्निश तो हो जाएगा. बट आई हैव टेकन अ गुड केयर एंड दैट इज हाउ इट हैज बीन लॉयल टू मी फॉर मेनी मेनी इयर्स. ओके सो दिस वाज फ्रॉम सोनाटा. नेक्स्ट वॉच मैं आपको दिखाती हूँ. ओके सो इसमें है ये वाली वॉच. ये बॉक्स हम पहले कंप्लीट करते हैं. और ये सारी जो वॉचेस है ना उसके जो ये मैंने जो एडजस्ट करा है ना बेल्ट, उसको भी मैंने संभाल के रखे हुए हर एक बॉक्स के अंदर. इन नियर फ्यूचर आपको लग सकते हैं. सो ये भी एक टिप है कि जहाँ पे भी आप वॉच रखो उसके पीछे उसकी जो क्लिप्स होती है वो भी आप रख सकते हो. सो दिस इज द थर्ड वॉच इन दैट बॉक्स. तो मैंने तीन वॉचेस रखे थे एंड दिस इज फ्रॉम ड्रेसबेरी. एंड ड्रेसबेरी का ही बॉक्स है आप देख सकते हो. So ड्रेसबेरी की मेरे पास सिर्फ एक ही वॉच है एंड आई लव दिस ब्रांड सो मच. डेफिनेटली मैं इन फ्यूचर डेफिनेटली खरीदने वाली हूँ. बहुत ही अमेजिंग है. ये अराउंड 3 से 4 साल पुरानी है एंड इसको तो मैंने इतना ज्यादा वेयर किया है फ्रेंड्स. लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुझे रीजनेबल लगी थी. तो अराउंड 900 के आसपास है बट अच्छी है, ब्रांडेड है. एंड यू नो जो डायमंड स्टडेड वाली वॉचेस होती है मैं उसको और भी ज्यादा केयरफुली यूज करती हूँ. तो मैंने इसको अच्छे तरह से यूज भी किया है, केयरफुली भी किया है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके बहुत ज्यादा भी यूज किया हुआ है. तो इसके जो डायमंड्स हैं यहाँ पे सर्कल पे डायमंड्स आप देख सकते हो जो डायल है उस पे, तो उसके डायमंड्स एक भी डायमंड नहीं निकला है. मतलब आई हैव लाइक रिगुरसली यूज दिस वॉच. लाइक मैं आपको कह सकती हूँ बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है फिर भी डायमंड्स नहीं निकलते हैं. सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रेसबेरी का ब्रांड का वॉच जिसके अंदर डायमंड्स हैं, यू कैन डेफिनेटली गो. मैं भी थोड़ी सी लाइक नो स्टार्टिंग में थोड़ी सी ये थी इस वॉच को लेके, बट आप देख सकते हो कितना ज्यादा यूज किया हुआ है. अब इसका जो डायल है उसके ऊपर से रोज गोल्ड की जो फिनिश है वो भी चली गई है. एंड बट द बेल्ट एंड एवरीथिंग इज गुड. द वॉच इज वर्किंग, ऑल द वॉचेज आर वर्किंग. बस इसके जब सेल्स खत्म हो जाते हैं तो आपको सेल चेंज करने पड़ते हैं, अदरवाइज इट्स लाइक सुपर्ब. अब ये मिलती है कि नहीं पता नहीं, मुझे अगर मिलेगी तो मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगी, या तो इससे थोड़ी सिमिलर टाइप की होगी तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी. सो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ पे ये वॉच कैसी लग रही है. इसका डायल थोड़ा सा छोटा है मेरे चॉइस के हिसाब से, बट बहुत प्यारी लगती है हाथ पे. अगर इसका डायल बड़ा होता तो इट वुड लुक जस्ट फैंटास्टिक. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज दिस बॉक्स आई एम गोइंग टू शो यू. इसमें मेरे दो घड़ियां हैं. एक जो घड़ी है वो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले इज फ्रॉम फास्ट ट्रैक अगैन ऑफ कोर्स. तो ये मेरी सबसे पहली घड़ी थी जो मैंने ब्रांडेड ली थी. ओके एंड दिस इज लाइक अराउंड 10 years या फिर 9 to 10 years ओल्ड घड़ी है मेरी. एंड दिस इज नाउ नॉट अवेलेबल. लाइक मैंने बहुत सारी जगहों पे इसे सर्च किया, लाइक यू नो उसका फोटो क्लिक करके भी मैंने सर्च किया, इट्स नॉट अवेलेबल एनी मोर. बट आई जस्ट लव इट. एंड ये अवेलेबल नहीं होने के वजह से ही मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अब तो ये अवेलेबल भी नहीं है. बट इट्स वर्किंग, इट्स इन अ गुड कंडीशन, सो वाई नॉट. ओके सो मैंने इसे रखी हुई है. इसके मैंने बहुत टाइम सेल्स चेंज करवाए हैं. आई जस्ट कम्प्लीटली लव दिस वॉच. मतलब मेरा बहुत ज़्यादा अफेक्शन है इसकी तरफ. एंड यू कैन सी दैट इसका जो डायल है काफ़ी यूनिक है एंड कुछ भी नहीं हुआ है, नो कलर हैज कम आउट, कहीं से भी फेड नहीं हुई है. एवरीथिंग इज जस्ट सो प्रॉपर अबाउट दिस वॉच. लुक्स ऑल्सो वेरी प्रिटी ऑन माई हैंड, आप यहाँ पे देख सकते हो. तो इसका जो स्ट्रैप है वो पिंक है, पहनने पे बहुत ही प्यारी लगती है, आप यहाँ पे देख सकते हो. बस इसका ये है कि जो स्ट्रैप का अगर पीछे आप देखोगे सो आपको पता चलेगा कि ये कितनी पुरानी है. ओके बिकॉज दिस इज द पार्ट विच टचेज योर स्किन, राइट. सो ये इसके पीछे एक फनी स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. तो मुझे इसका लुक चेंज करना था. आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि क्या इसका बेल्ट हम चेंज कर सकते, तो इसे व्हाई नॉट कर सकते हैं. सो मैं वॉच के शॉप पे गई थी एंड आई वांटेड लाइक अ सिल्वर बेल्ट फॉर दिस, तो बहुत प्यारा लगेगा. तो मैंने ये सोचा, मैंने उनको घड़ी बताई तो उन्होंने कहा कि यार इतना प्यारा है ये घड़ी, आप क्यों चेंज करना चाहते हो इसका स्ट्रैप. तो मैंने कहा कि अंकल ये देखो ये मुझे नहीं पसंद है. तो बोलते वो तो चलता है ना. सो लाइक यू नो ही वॉज ऑल्सो नॉट रेडी टू चेंज द बेल्ट ऑफ दिस वॉच. तो मतलब इतनी प्यारी है ये. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वॉच दैट इज फ्रॉम द ब्रांड हेलिक्स. और ये है डिजिटल वॉच, ठीक है. अब इसका भी मैं आपको लुक बता दूंगी वेयर करने के बाद. बहुत ही प्यारी है और ये मैंने दो ली थी. एक मैंने ब्लू कलर में ली है, नेवी ब्लू कलर की है इसके स्ट्रैप्स, और एक ये मैंने पिंक कलर में ली थी. सो जब भी मुझे जो भी मन करता है मैं वेयर करती हूँ. एंड दिस टाइप ऑफ वॉचेस ना हर कोई पहन सकता है. तो ब्लू कलर मैंने ये सोच के लिया कि मेरे हस्बैंड भी वेयर कर सकते हैं, मेरा बेटा भी वेयर कर सकता है, तो अब तो मेरा बेटा ही इसको वेयर करता है नेवी ब्लू वाला. एंड दिस आई वेयर, बहुत ही प्यारा है. मैं इसका वेयर भी आपको दिखा दूंगी. बहुत ही प्यारा लगता है हाथ पे ये. मतलब बहुत ही ज्यादा लाइक यू नो अच्छा मटेरियल है. एंड दिस इज ऑल्सो लाइक अराउंड 2 या 3 साल हो गए होंगे इस वॉच को भी लेकर. तो मतलब काफ़ी यूज करी हुई है, तो मैं आपको यूजर एक्सपीरियंस भी दिखा रही हूँ, रिव्यू दे रही हूँ ऑनेस्टली. तो इसका ये चार्जिंग केबल भी आता है, बहुत ही अमेजिंग है. एंड अगर आप एक
अफोर्डेबल में डिजिटल वॉच देखना चाहते हो तो आई थिंक यू कैन गो विद दिस वन। ओके, बात करते हैं मेरा लेटेस्ट जो वॉच मैंने बाय किया है वो भी एक ब्रांडेड वॉच मैंने लिया है, सो दैट इज अगेन फ्रॉम फास्ट ट्रैक। मतलब कि अगर मुझे वॉच के कलेक्शन में अगर मैं जाती हूँ तो एनालॉग वॉचेस मुझे ज्यादा पसंद आती है डिजिटल से। डिजिटल भी पसंद आती है ऐसा नहीं है, बट आई विल शो यू वॉट आई गॉट दिस टाइम। ओके, नाउ दिस इज फ्रॉम द वी वाई बी कलेक्शन वाइब फास्ट ट्रैक का, एंड आई हैव स्टिल नॉट वॉर्न दिस वॉच फ्रेंड्स। मैं आपको पहले दिखा रही हूँ ये, अभी तक मैंने इसे वेयर नहीं किया हुआ है, जस्ट आई हैव रिसीव्ड इट एंड मैं इसको सिर्फ अनबॉक्स किया है एंड आई हैव स्टिल नॉट गॉट एनी अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको वेयर करूँ। सो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, इट्स सो सो प्रिटी फ्रेंड्स, इतनी ब्यूटिफुल है। सो इसको मैं वेयर करके आपको यहाँ पे दिखा दूंगी शॉर्ट, मुझे इसको इसमें से निकालने का भी मन नहीं कर रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज नाउ। दिस वन पर्सनली मुझे इतना पसंद क्यों आया मैं आपको बता देती हूँ। मैं एक ऐसी घड़ी देख रही थी जिसमें गोल्डन एंड सिल्वर साथ में हो, एंड दैट इज व्हाट आई वाज सर्चिंग, एंड ये मेरी नज़र में आई, इट इज़ लाइक सुपर। अगर आप भी कुछ ऐसा देख रहे हो ना तो यू कैन गो विद दिस वन। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। दिस यू कैन वेयर इट टू योर ऑफिस कैजुअल, मतलब पहन सकते हो, इवेंट्स में पहन सकते हो, पार्टीज में पहन सकते हो, हर एक में आप ये वॉच को पहन सकते हो। यू कैन सी द स्ट्रैप इज सिल्वर, ओके, एंड द डायल के अंदर आपको ये गोल्डन वाला वर्क मिल जाता है ना। इसके अंदर तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर आपको पूरी सिल्वर चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, डबल टोन में चाहिए जो मैंने लिया वो मिल जाएगी, और एक है इसके अंदर जिसका डायल जो है वो ब्लू कलर का है, आई थिंक वो पूरा सिल्वर है। तो तीन है उसमें से, मुझे ये वाला मिक्स वाला तो बहुत ही प्यारा लगा फ्रेंड्स। वेयर करने के बाद इतना इतना क्लासी लुक देता है, एंड लेट मी टेल यू, मैंने अभी तक इसको वेयर नहीं किया है। इसके ऊपर ना एक ट्रांसपेरेंट फिल्म भी है जो मैंने अभी तक रिमूव नहीं करी है। आपको मैं जो वेयर करके दिखा रही हूँ वो भी उसके साथ ही है, तो आप समझ सकते हो जब ये फिल्म निकलेगी ट्रांसपेरेंट तो वो और भी ज्यादा ब्यूटिफुली शाइन करेगी, क्योंकि इसका जो कट है ना डायल पे ये थोड़ा सा क्रिस्टल टाइप ऑफ कट है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल शाइन करता है जब अपने हाथों को आप ऐसे मूव करते हो। तो द कट ऑन द डायल इज रियली रियली व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस वॉच। सेकेंड थिंग अबाउट द वॉच आई लव इज द डायल, इसका डायल काफ़ी बड़ा है दूसरे वॉचेस से कंपैरेटिवली, तो इसलिए भी मुझे ये वॉच काफ़ी पसंद आई है। सो दीज वर ऑल माई ब्रांडेड वॉच कलेक्शन, एंड मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि जब भी मेरे पास कुछ नया आए मैं आपके साथ शेयर करूँ, बट यू नो हाउ माय स्केड्यूल गोज, मेरे दो दो चैनल होते हुए भी मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि हर एक चीज़ आपके साथ यहीं शेयर कर सकती हूँ। सो मैंने सोचा कि पूरा वेयर एंड टेयर वाला जो पूरा रिव्यू होता है वो आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है। सो ये वॉचेज़ मेरे एब्सोल्यूट अमेजिंग वॉचेज हैं इन माई कलेक्शन। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ लेकर आऊँगी वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता वाला होगा, जो मैंने रस्ते से कौन सी वॉच उठाई है, मीशो से कौन सी उठाई है, ऐसी भी वॉचेज है जो मैं लाइक यू नो नीचे वीचे जाने के लिए वो सारी पहन लेती हूँ, तो वो वाली कौन सी है वो पार्ट टू में आएगा। अगर वो वीडियो देखना है तो आपको करना है सब्सक्राइब, ओके, ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो, फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, एंड साथ ही में छोटी सी बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वो बेल आइकन से ही आपको पता चलेगा कि मैंने एक नया वीडियो डाला है अपने चैनल पर, ठीक है। सो इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेशन लाइक शेयर करना, एंड या मिलती हूँ सुपर सून अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना। बाय बाय फॉर नाउ।